आया, पुलिस चेकिंग है, उन्होंने मना कि सिंघम मूवी की शूटिंग हुई थी, ये जगह हॉन्टेड है। फाइनली हमको बर्गर एंड लाइम सोडा मिला है। वेलकम टू गोवा। गुड इवनिंग। सो हम ऑलमोस्ट गोवा पहुंच चुके हैं। प्लानिंग वैसे तो नहीं था, बट अनप्लान ही समझ लो। गोवा आ गए, अभी ओल्ड गोवा पहुंचे हैं। अभी यहाँ से सीधा जा रहे हैं हम पणजी, कौन सा है अपना, लोनापोला बीच। सो वो दिखाएंगे आपको। चलिए तब तक आप ओल्ड गोवा एंजॉय करें। चर्च नाम तो चर्च वी आर एट पंजिम। अपने अभी जा रहे हैं डोनापोला बीच। अभी जगह लोकेशन पहले कुछ खाए तो सही, चेंज करना है। गोवा में आके गोवा की वाइब्स नहीं आ रही है सर। मेरे ने कुर्ता पहना है, मैंने बेबी सूट पहना है, गोवा की वाइब ही नहीं आ रही है। क्या करे बाबू, चेंज करते हैं कहीं पे जाके फिर वो करते हैं। चलो वहां पे रहता है बीच के साइड, बट वहाँ पुलिस है तो उन्होंने बोला कि पार्किंग करना है दूसरी जगह। मैं दिखाता हूँ आपको, सामने वहाँ दिख रही होगी गाड़ियाँ, वहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की है और अभी हम यहाँ से चल के जा रहे हैं क्योंकि अंदर पार्किंग अलाउड नहीं है। टीना टीना देखो चेंज हो गई पूरी। उसको कुछ खाना है तो देखते हैं अभी कुछ खा लेंगे। जैसे हमने बताया पुलिस चेकिंग है, उन्होंने मना किया है आगे गाड़ी ले जाने को। तो पीछे मैंने दिखाया वहाँ पे आप पार कर सकते हैं। 80 rupees फोर व्हीलर का चार्जेस है। हमने आज का कार्डियो करके हम डोनापोला बीच पहुँच गए हैं। मैं दिखाता हूँ यहाँ से थोड़ा, फिर नज़दीक जगह भी दिखाएंगे। दिख रहा है हाँ, मतलब अभी पुलिस वाले ने रोका तो ऑलमोस्ट हाफ एन किलोमीटर तो हमने चला ही होगा। हाँ 1 किलोमीटर, हाफ किलोमीटर। और यहाँ से जा रहे ये वही बीच है जहाँ पे सिंघम मूवी की शूटिंग हुई थी। करंस रेस्टोरेंट एंड बार, सामने डोनापोला का व्यू आ रहा है। रेस्टो बार है, सेकंड फ्लोर पे है, मतलब वो है फर्स्ट फ्लोर से ही, बट सेकंड फ्लोर पे सेटिंग मिलता है तो मस्त व्यू आता है इधर से पूरा। देखो ये सामने डोनापोला बीच। सो हम जल्दी से नीचे आ गए। टीना को खाना था सैंडविच, सैंडविच अवेलेबल नहीं था, ज़्यादा ड्रिंक्स थे तो ड्रिंक्स तो हमें अभी करना नहीं है अभी, मतलब वैसे तो जनरली मैं ड्राइव करता तो अब नहीं करता, इसलिए अभी नीचे आ गए। अभी देखते हैं डोनापोला और फिर कुछ खाते हैं। चलो चलो टीना लीड द वे। यहाँ टिकट काउंटर है, देखते हैं कितनी टिकट्स है उस हिसाब से। डोनापोला जेटी एंट्री फी 50 rupees पर पर्सन। डेकोरेशन अच्छा किया है, इसमें से भी कोई पोल था जो अजय देवगन ने उखाड़ा था, वही है ना टीना, कि दूसरा कोई है? आई थिंक तो यही है, पता नहीं फिर। अकॉर्डिंग टू गूगल डोनापोला वॉज अ वाइज लेडी, और उसको एक फिशरमैन से प्यार हो गया और उसके फादर ने शादी नहीं करनी थी तो उसने यहाँ से छलांग मार के सुसाइड कर लिया। तो इस पॉइंट का नाम डोनापोला पड़ गया। और अकॉर्डिंग टू सम मतलब लोकल्स, ये जगह हॉन्टेड है, वो तो हमको नहीं पता लेकिन अभी गूगल से इतना पता चला। सो अभी हम नीचे से ऊपर आए हैं, थोड़ा यहाँ पे व्यू पॉइंट बना है, पीछे देख सकते हैं आप।
हम वहाँ नीचे से आए, दिख रहा है वहाँ पे, वहाँ से नीचे आए और यहाँ पर भी है सिटिंग, सिटिंग के लिए बैठ सकते हो आप, नज़दीकी समंदर है। तो हम व्यू पॉइंट पे जा रहे हैं, वहाँ से दिखाते हैं। चलिए चलिए टीना, ये ऊपर व्यू पॉइंट बना है, आगे जाते हैं, समंदर दिखाते हैं। रात में तो क्या दिखेगा, फिर भी ट्राई करते हैं। हाय बेब, थोड़ा दिख रहा होगा शायद, रात हो गई है। कर्नाटक के दो बीच देख लिए, ये तीसरा है गोवा का, लेकिन इतना ठंडी हवा वहाँ दोनों में से किसी भी बीच पे नहीं थी। मतलब दो दिन के बाद इतनी ठंडी हवा आने को मिली है, खाने को मिली, खाने को मिली है। समझो मेरे भाई से सीख रहे क्या, थोड़े थोड़े कल किए थे परसों। और वहाँ देख सकते हैं आप, पूरा सिटी है, मस्त दिखता है। पंजी शायद पंजी में ही आता है, तो वही होगा जहाँ पे स्वामी चिन्मय जी का सत्संग था। ओ, तो तुम ये कहना चाहते हो। चलते हैं अभी, टीना कब से बोल रही है भूख लगी, खाना है उसको, कुछ नहीं तो वड़ा पाव मिल जाए तो भी ठीक है, नहीं क्योंकि नॉन वेज वो खाती नहीं है। फाइनली हमको बर्गर एंड लाइन सोडा मिला है, यहीं पे है नियर बाय। नाम क्या है? एलिस कैफे। एलिस कैफे, टीना ट्राई कर रही है। नाइस बर्गर, अच्छा है, बर्गर अच्छा है और वेरी रीजनेबल प्राइस है, आप ट्राई कर सकते हैं। इधर स्टे तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, देखो हॉस्टल, होटल है ना, होम स्टे भी है, अपने वो बीएनबी भी देखा था, एयरबीएनबी वो भी देख सकते हो। तो डोनापोला बीच से हम निकल गए, वैसे बीच पे जाने नहीं देते वहाँ पे, ऐसा कुछ बीच है नहीं, वो जेटी है। हाँ जेटी जैसा है, वहीं से बीच देखना है, वो डेंजरस पूल रहे हैं। और एक पूल जहाँ पे मूवी का शूटिंग हुआ था, शायद वो टूटा हुआ है या वीक है, इसलिए वो भी नहीं, वहाँ भी नहीं जाने दे रहे, बंद किया गया है। तो बस वहाँ से वो देखा, वहाँ पे जो नाश्ता किया आपको दिखाया, बिलीज बर्गर बहुत अच्छा था, प्राइस भी रिजनेबल था, टेस्टी खाना मिला मेरे को। लास्ट में पेस्ट्री चॉकलेट है। मतलब तो गोवा का हमारा ये आज का पहला आधा दिन ही ख़त्म होता है, कल वापस से नया वीडियो आएंगे, तो कंटिन्यू देखने के लिए कीप वॉचिंग, डू सब्सक्राइब। और अगर कुछ क्वेश्चन हो आपको किसी भी वीडियो रिलेटेड, तो हमें आप कभी भी कमेंट में पूछ सकते हैं, हम एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करेंगे। एंड अगर यूट्यूब पे अगर नहीं पॉसिबल तो आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं हमको, सेम नेम से आईडी है हमारा, हाँ अकाउंट।